हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो सरकारी शिक्षक की नियुक्ति की अपडेट हो चुकी है जारी, जिसमें कि आपका सरकारी शिक्षक के बेसिस पे आपका जो है वेतन दिया जाएगा। कैसे करेंगे अप्लाई, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने जा रही हूँ। तो अगर आपने बीएड किया हुआ है तो उन्हीं के लिए ये है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डीएड वाले को अप्लाई करने का मौका नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके मन में डाउट होती है इसी वीडियो में क्लियर करने जा रही हूँ। सबसे पहले बताते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी हुई है। इसमें देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी के लिए वैकेंसी जारी हुई है, जिसमें कि आपको 22,000 यानी कि 22,000 पर मंथ प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपने हिंदी या संस्कृत से स्नातक की डिग्री प्लस बीएड की डिग्री किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर यानी कि 1-5 के लिए अगर आपने टेट क्वालिफाइड किया हुआ है तो आपको जो है प्रायोरिटी दी जाती है। बात करते हैं डीएलएड वालों को, यहाँ पे अप्लाई करने का मौका नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एलटी डिप्लोमा जिन्होंने भी किया है वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बताते चले पूर्णकालिक शिक्षक यानी कि फुल टाइम टीचर गणित के लिए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी सेम वही होगी। अगर आपने गणित में स्नातक की डिग्री और प्लस बीएड किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका यानी कि विज्ञान टीचर यानी कि फीमेल टीचर के लिए जेडबीसी से अगर आपने स्नातक प्लस बीएड की डिग्री पास हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो अप्लाई। सीटेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए। उसके बाद पूर्णकालिक शिक्षा अंग्रेजी की बात करते हैं। अंग्रेजी विषय से आपने स्नातक की डिग्री प्लस बीएड किया हुआ है, टेट क्वालिफाइड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कंप्यूटर शिक्षिका के लिए, इसमें आपका जो है पार्ट टाइम टीचर के लिए होगा, जिसमें आपको 9,800 पर मंथ प्रोवाइड कराई जाएंगी। स्नातक आपने कंप्यूटर साइंस में करा हुआ है या फिर यहाँ पे देखिए पीजीडीसीए बीसीए अगर आपका होता है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पार्ट टाइम टीचर स्काउट गाइड एंड शारीरिक शिक्षा के लिए, अगर आपने स्नातक के साथ बीपीएड सीपीएड डीपीएड किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेखाकार की बात करते हैं, इसमें आपका सैलरी जो है 11,000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगी। अगर आपने स्नातक की डिग्री वाणिज्य यानी कॉमर्स विषय से किया हुआ है प्लस आपका कंप्यूटर नॉलेज आता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ सहायक रसोईया की बात करते हैं, जिसमें कि आपका सैलरी होगा 5,175 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगी। शारीरिक रूप से समक्ष और संक्रमण रोग से ग्रस्त नहीं होते तो अप्लाई कर सकते हो। बताते चलते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। इसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर फॉर्म आपको नहीं मिल पा रहा है तो देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.kaushambi.nic.in पर जाके इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लेना, बिकॉज कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराती हूँ। और यहाँ पे देखिए आपका एज लिमिट 25 वर्ष से 45 वर्ष अगर आपका होता है तभी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बताते चलते हैं वैकेंसीज कहाँ से आई हुई है, कब से कब तक कर सकते हैं अप्लाई। वैकेंसीज जो है पूरे 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से निकाली गई है, जो कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी से वैकेंसी आई हुई है, जो कि लखनऊ में पढ़ता है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से वैकेंसी रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। लास्ट डेट है आप यहाँ पे 5 जून 2023 की शाम 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से आपको ये जो है भेज देना है। और बताते चलते हैं इसमें कैसे होगा। तो इसका फॉर्म आप खरीद के या फिर नेट से डाउनलोड करके, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से वहां से डाउनलोड करके पूरा फिलअप करके, उसके बाद जितने भी आपका क्वालिफिकेशन होती है सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके, उसके बाद डाक टिकट के माध्यम से आपको जो है निबंधित डाक के माध्यम से आपको जो है भेज देना होगा। तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने कर दिया है क्लियर, कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं।